जिन छात्रों को अभी तक फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिला उन सभी छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से एक न्यूज़ निकाली गई जिसमें बताया गया है कि अब आपको जो टैबलेट स्मार्टफोन मिलेगा अब वो पिछली बार से ज़्यादा अपग्रेड रहेगा, यानी कि ज़्यादा एडवांस रहेंगे और उसमें कुछ फ़ीचर ज़्यादा रहेंगे। पिछले साल जो बांटे गए थे टैबलेट स्मार्टफोन उससे ज़्यादा फ़ीचर आपको इस साल मिलेंगे। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी की ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से ये पोस्ट किया गया है। कब तक आपको मिलने वाला है टैबलेट स्मार्टफोन, क्या फीचर रहने वाले हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिटेल से मिलेंगी। वीडियो पूरा लास्ट तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। देख सकते हैं अब अपग्रेडेड टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेगी सरकार, स्पेसिफिकेशन तय करने के लिए बनी कमेटी। यहाँ पर देख लीजिए, सूत्रों के मुताबिक नए स्मार्टफोन और टैबलेट में ऑपरेटिंग सिस्टम की और अपग्रेड किया जाएगा, साथ ही रैम और इंटरनल स्टोरेज भी बढ़ाई जा सकती हैं। टेक्निकल कमेटी में आईआईटी और एकेटीयू जैसी तकनीकी संस्थाओं के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। 40 लाख टैबलेट बांटने का टारगेट लिया गया है। यहां पर देख लीजिए, अगले वित्त वर्ष के लिए यूपी डिस्को ने 40 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण का लक्ष्य रखा है। स्पेसिफिकेशन फाइनल होने के बाद यूपी डिस्को इनकी खरीद का टेंडर जारी कर देगा। ये अगले साल यानी कि 2023 में टैबलेट बांटा जाएगा, टैबलेट स्मार्टफोन, और 40 लाख टैबलेट स्मार्टफोन बांटी जाएंगे। इसके लिए सारी चीज़ें तैयार की जा रही हैं, टेंडर निकाला जाएगा, उसके बाद जैसे ही कंप्लीट होगा खरीद करके छात्रों को बांट दिया जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इन कंपनियों के बांटे गए थे टैबलेट और स्मार्टफोन। पिछली बार लावा सैमसंग के टैबलेट स्मार्टफोन बांटे गए थे, इस बार इन्हीं कंपनी की टैबलेट स्मार्टफोन हो सकती हैं, लेकिन इसमें चेंजेस हो सकते हैं। तो आप लोगों को 2023 में मिल सकती है, जैसी और भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।